सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, प्रदीप शर्मा दीप सर, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी? सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार सभी चैट बॉक्स में आंसर दें। राइट साइड कॉर्नर में आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने फोन में राइट साइड कॉर्नर में जाए, आपको वहां पे मोर का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे, आपको एक चैट का ऑप्शन आएगा। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, वेरी गुड। सो मैं जानना चाहूंगा आप सभी कहाँ कहाँ से मार्शल कनेक्टेड है, एक बार सभी अपनी स्टेट का नाम बताएं, कहाँ कहाँ से आप कनेक्टेड है। मुंबई से, यूपी से, गाजियाबाद, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, क्या बात है, दिल्ली, राजस्थान, ओके, मध्य प्रदेश, इंदौर, क्या बात है। अगर हम देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग स्टेट से सभी कनेक्टेड है। चलिए, पावर है इंटरनेट की, डिजिटल की पावर है। सो सबसे पहले तो आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। काफी सारे जो हमारे बीच फ्रेंड्स हैं, काफी सारे पार्टनर्स हैं जो हम मेरे से ही फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। आपने अपने बारे में तो थोड़ा बताया, थोड़ा मैं अपने बारे में बताता हूँ। आई एम बेसिकली फ्रॉम चंडीगढ़, एंड आज का जो वेबिनार रहेगा ये एक 30 to 40 minutes का वेबिनार रहेगा। अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस है, क्योंकि आज के आने वाले जो 30 minutes है ना, वो आपकी लाइफ को इस लेवल तक चेंज कर सकते हैं ना, अगर आप इस वेबिनार को अच्छे से सुनो, नहीं समझ लो, ठीक है। क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ऑनलाइन अपनी इनकम को 0 to 1 lakh पर मंथ तक पहुंचा सकते हैं, 0 to 1 lakh पर मंथ तक, सिर्फ आने वाले 5 to 6 months के अंदर। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है, ठीक है, तो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो अच्छे से इस वेबिनार के अंदर आपने बैठा है और एक एक स्लाइड को अच्छे समझिएगा, एंड एक छोटी सी एक्टिविटी आप सभी करें, जल्दी सभी स्क्रीनशॉट लें वेबिनार का, जल्दी स्क्रीनशॉट लें। जिन्होंने भी आपकी रजिस्ट्रेशन कराई है इस वेबिनार के अंदर, उनको वो स्क्रीनशॉट सेंड करें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां से भी आपको वेबिनार लिंक मिले, और लिखे आई एम इन वेबिनार, उनको लिखे आई एम इन वेबिनार, जल्दी स्क्रीनशॉट लें और वेबिनार का, और जिन्होंने भी आपकी रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिन्होंने वेबिनार लिंक प्रोवाइड करा, उनको स्क्रीनशॉट सेंड करें, लिखे आई एम इन वेबिनार, फास्ट जल्दी एक्टिविटी करें। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, तो जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। ओके, सो देखो, आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको देने वाला हूँ, जो प्लेटफॉर्म मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो सबके लिए नहीं है। ओनली हमारे पास जो वर्किंग के लिए मतलब कि एलिजिबिलिटी है, वो ओनली 40 to 50 कैंडिडेट्स की है। ओनली आप में से 40 to 50 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, और लास्ट तक इस वेबिनार में बने रहिएगा। पेशेंस थोड़ा सा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे पार्टनर बोलते हैं सर अभी बताओ कैसे क्या हुआ, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। देखो, पहले दिन हमें 10वीं नहीं कराई जाती, पहले फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं, तब जाके हमारा वो लेवल होता है कि हम 10th को भी पास कर पाए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी स्लाइड्स आने वाली हैं, उसको ध्यान से आपने सुनना है, जल्दबाजी नहीं करनी, वरना कहते हैं ना आधी अधूरी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। अच्छे से समझेंगे तो ही सारी चीजें समझ आएंगी। सो सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ Win23 कम्युनिटी के अंदर। अब काफी सारे पार्टनर फर्स्ट टाइम इस चीज के बारे में सुन रहे हैं, Win23 के बारे में। आई एम फाउंडर ऑफ Win23 कम्युनिटी, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, बेसिकली फ्रॉम चंडीगढ़। आई एम अ सेल्फ मेड मिलियनेयर। सेल्फ मेड मिलियनेयर कैसे, अब मेरी मंथली अर्निंग की मैं अगर बात करूं तो 5 lakh पर मंथ अर्न करता हूं मैं ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू, एंड आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, एंड हजारों लोगों को ट्रेंड कर चुका हूं, बहुत सारे यूथ को ट्रेंड कर चुका हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और एज्ड पर्सन होंगे जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन, और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं सोशल मीडिया को यूज करके, एंड आप भी कैसे कर सकते हैं वो आपको आज पता लगेगा। तो सबसे पहले Win23 के बारे में बताना चाहूंगा, हु आर वी एंड व्हाट वी डू, हम कौन हैं, हम करते क्या। देखो, Win23 के बारे में आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वी आर ग्रुप ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स का, और हमारा मिशन यही है कि जैसे कि आज मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, टैलेंट बहुत है लोगों के पास, बस क्या नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ग्रोथ तो बहुत अच्छी लेना चाहते हैं, सपने हैं, ड्रीम्स हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बट रास्ता नहीं है। तो हम डिजिटल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं यूथ को, कि कैसे वो सोशल मीडिया से अपना बिजनेस डेवलप करके विदाउट एनी फाइनेंशियल रिस्क अपना बिजनेस डेवलप करके एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और सेल्फ मेड बन सकते हैं, सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं, ठीक है। हमारा मिशन यही है, द गोल इज रिटायर यंग एंड रिच। अब बात करते हैं गोल्स की। देखो, हर एक इंसान के लाइफ में कोई ना कोई गोल्स होते हैं। सबसे पहला गोल हमारा क्या होता है, अच्छा पैसा कमाना, सबका गोल है। हम स्टडी करते हैं, हम कोई काम करते हैं, हमारा मेन मकसद क्या है कि हम अच्छा पैसा कमाएं, क्योंकि हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में जी रहे हैं और आज के टाइम बिना पैसे के कुछ नहीं आता, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड चीज देखो, हम पर जब पैसा आता है तो हमारे कुछ सपने होते हैं जिन्हें हम पूरा करते हैं। सपने क्या होते हैं, यंग एज में हमारे पास अच्छी कार हो, फैमिली को अच्छा घर गिफ्ट करे, अपनी फैमिली के लिए प्राउड का कारण बने। लोग अच्छी अच्छी पोस्ट क्यों मांगते हैं, कोई बोलते मुझे IAS बने, हाई लेवल की पोस्ट पे हम क्यों जाते हैं, कि हमारी पहचान भी हो, राइट। हमारे कुछ ही ड्रीम्स होते हैं एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के।
अब बात करें देखो सबसे पहली चीज इनकम पे हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में कितनी इनकम चाहिए एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए। देखो जिस हिसाब से महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है, एक वक्त था 1940 का 10 रुपए में घर चल जाया करता था, उसके 1960 आया वो 10 रुपए से बढ़ के खर्चा 100 रुपए हुआ, उसके 1980 आया वो 1000 रुपए हुआ, 2000 का टाइम आया तो 10,000 रुपए। अपने पेरेंट्स से पूछेंगे 10,000 रुपए 2000 के टाइम पे कैसी इनकम होती थी, तो वो बताएंगे कि कितनी अच्छी इनकम हुआ करती थी वो। पर आज अगर बात करें, आज एक घर को अच्छा चलाने जिस हिसाब से महंगाई बढ़ चुकी है, आज कम से कम 1 लाख क्रॉस इनकम चाहिए हमें, 6 फिगर इनकम चाहिए अगर आप आज हम एक अच्छी लाइफ जी सकते जी ना चाहते हैं तो। और बट मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, कौन कौन चाहता है कि आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर उसको ये इनकम आने लगे? कौन कौन चाहता है चैट बॉक्स में बताएं। तो जो आपका ये गोल है, जो भी आपने बताया है ना, आप सभी चाहते हैं, तो आज एक ऐसा रास्ता मैं आपको दूंगा जहां पे अगर आप मेहनत करेंगे अच्छे तरीके से, तो आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर उस गोल को हिट कर पाएंगे। बट देखो हमें इतना तो क्लियर हो गया कि हमें इतनी इनकम चाहिए आज के टाइम, बट क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? आप सभी अपने आप से एक सवाल करें, क्या जो मैं कर रहा हूँ क्या वहां से मैं आने वाले टाइम में 50,000 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँगा? शायद बहुत सारे लोगों का जवाब होगा ना, क्योंकि मार्केट में जब हम निकलते हैं तो ऑप्शंस क्या हमारे पास, सबसे पहला ऑप्शन है जॉब, है ना। जॉब पे अगर हम जाएं तो आज मार्केट के अंदर हर साल 80 लाख से लेके 1 करोड़ बच्चा पास आउट होकर निकलता है, बट मार्केट में जॉब्स नहीं। अब जो भी डिग्री कर रहे हो चेक करो, जो लास्ट ईयर पास आउट हो उसका क्या बना। अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ रही है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और वक्त बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। देखो वक्त चेंज हो रहा है, जो वक्त के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलता वो मार्केट के अंदर खत्म हो जाता है। आप सभी ने नोकिया के बारे में सुना होगा, है ना, नोकिया मार्केट में बर्बाद क्यों हुआ, लोग कामयाब क्यों नहीं होते, क्योंकि अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते। अभी भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ लिखूंगा आगे जाके एक अच्छी नौकरी करके अपना फ्यूचर बनाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं आज मार्केट में जॉब्स वैसे भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट होती जा रही है पहली बात, और जितने की जॉब में प्राइवेट मिलती है उसमें हमारी नीड्स भी पूरी होनी बहुत मुश्किल है। आज जो टाइम है वो डिजिटल टाइम है, ठीक है, हम सभी इंटरनेट को चला रहे हैं, पैसा कमाने का तरीका खाली नौकरी नहीं रहा, नौकरी के अलावा और भी बहुत सारी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, बट वो हमें स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग होगी, है ना, डिजिटल मार्केटिंग होगी, आज के टाइम लोग यूट्यूबर बनना हो गया, ठीक है, आपको पता है कि लोग यूट्यूब से लाखों रुपया कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से लाखों रुपया कमा रहे हैं, पर वो कैसे कमा रहे हैं? अगर हम भी उन चीजों को सीख ले तो हम भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कैसे डिजिटल बिजनेस प्रोजेक्ट आपसे शेयर करूंगा जिसमें आप शुरुआत करके बहुत अच्छा इंटरनेट को यूज करके बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग डिजिटल बिजनेस प्रोजेक्ट। जिसकी बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रोजेक्ट है। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, है ना, जिस प्लेटफॉर्म में हम करियर लगाने जा रहे हैं वो प्लेटफॉर्म में एक्चुअल में है क्या, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, और वो सेफ है या नहीं है, हमें उसके अंदर करियर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर फॉरएवर प्रोजेक्ट की बात करें, हमने सभी स्कूल कॉलेजेस में हमने कई बार ये चीज सुनी है कि फॉरेन कंट्रीज हमसे बहुत ज्यादा आगे है, तो बात करें यहाँ पे कि ये चीज प्रैक्टिकल पता लगती है। जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप अभी जान रहे हो वो 1978 से चल रहा है, फाउंडर है मिस्टर रेक्समोन। बात करें 13 मई 1978 से बिजनेस स्टार्टअप हुआ था, 43 साल से ज्यादा इसको स्टेब्लिश हुए हो चुके हैं। अब काफी लोग बोलेंगे मैंने भी फर्स्ट टाइम इसको 2017 में देखा था इस प्रोजेक्ट को, और किस तरीके से इसने मेरी लाइफ को चेंज किया, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मार्केट में और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है। देखो एप्पल कंपनी 1977 में स्टार्ट हुई थी एप्पल ब्रांड, बट हमें उसके बारे में कब पता लगा, 2010 में 2011 में। फेसबुक 2004 में बना था, पर 2004 में फेसबुक के बारे में किसी को नहीं पता था। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर ब्रांड्स है जिसके बारे में अभी नॉलेज बहुत कम लोगों को है। 160 से ज्यादा देशों में ऑलरेडी स्टैब्लिश है प्रोजेक्ट, 6000 से ज्यादा ऑफिस है, 25,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है, एंड वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। और इंडिया की अगर बात करें तो 21 ईयर से ज्यादा इसको स्टैब्लिश हुए इंडिया में हो चुके हैं। ग्लोबली बात करें 160 देशों के अंदर 70% ग्लोब ऑलरेडी कवर्ड है। अब बात करते हैं अगर जो ऑफिस की, तो करोड़ों रुपए के ऑफिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, $1 बिलियन का ब्रांड है ये। मैं आपको ऑफिस दिखाता हूँ इसके, हर कंट्री के अंदर ऑफिस है। आप गूगल मैप चलाते हैं उसके अंदर कंट्री का नाम लिखे आगे ऑफिस लिखे फॉर एवर लिविंग तो आपको मिलेंगे। ये इंटरनेशनल ऑफिस है, बाकी इंडिया का ऑफिस आपको दिखाता हूँ। स्वागत है आपका फॉर एवर के मुंबई के हेड ऑफिस में, और आज हम आपको फॉर एवर के ऑफिस के हेड ऑफिस की टूर कराएंगे, आइए हमारे साथ जुड़िए। और मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूँ, आज आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन होने वाला है। और वो क्यों होने वाला है कि शायद ये सुनहरा अवसर आपके जीवन में पहली बार आया।
We'll meet nearly 80,000 people in our lives. If you can't remember. So ये head office है India का जो 2000 में start हुआ था. आज 19 branches है India के अंदर, अलग-अलग states के अंदर. ठीक है. अब जो मैं आने वाली slides आपको दिखाने वाला हूँ, जो आने वाली जितनी भी slides हैं, वो slides आप देख के ना आपकी आंखें खुलने वाली हैं. मैं कह रहा हूँ शायद आज आपको रात को नींद भी ना आए. ठीक है. कि क्या growth potential है इस platform के अंदर. ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म में, इस प्रोजेक्ट में अपना करियर लगा के हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों रुपए तक के चेक्स यहाँ से अचीव कर चुके हैं. मिस्टर सुनील गुप्ता 1 crore 60 lakh. क्योंकि देखो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इट इज नॉट अ जॉब. जॉब के अंदर आपकी जो इनकम होती है हमेशा लिमिटेड होती है, पर बिजनेस के अंदर आप अपनी इनकम को लिमिटेड कर सकते हैं. क्योंकि बिजनेस के अंदर आप ओनर होते हैं और अपनी इनकम खुद डिसाइड करते हैं. ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर लोगों ने 3-3.5-4 crore के चेक्स लिए इंडिया के अंदर. मिस्टर सूर्य सिन्हा 3 crore 84 lakh रुपए तक का पे आउट से उन्होंने, मैं इन सभी से लाइव मिला हुआ हूँ जो भी करोड़ रुपए के चेक्स यहाँ से ले चुके हैं. बाकी बात करें नाउ चेक हाउ वी कनाडा, हम कैसे पैसा कमाएंगे. हमने देख लिया ग्रोथ पोटेंशियल कैसी है. ठीक है. प्लेटफॉर्म का बैकग्राउंड कैसा है कि प्रॉपर करियर हम इसमें लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, इतना हमें क्लियर हो गया होगा. अब हम मैं आपको बताता हूँ इसमें कुछ लेवल्स होते हैं इस प्रोजेक्ट में. मैं इनके बारे में ज्यादा डीपली आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रेनिंग्स के अंदर आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है. अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन वेबिनार है आपका इस प्लेटफॉर्म को लेकर. देखो इस सिस्टम में कुछ 4 levels है. जैसे सबसे पहला लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिस लेवल को आप जब क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे आप 25 से लेकर 30,000 रुपए महीने का कमाते हैं एवरेज इनकम. इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है सुपरवाइजर, यहाँ पे 35 से 45,000. उससे नेक्स्ट लेवल आता है असिस्टेंट मैनेजर, 60 से 70,000. और उसके बाद आता है मैनेजर लेवल. ये मैनेजर लेवल है जिसमें अगर आप अच्छे से मेहनत करें तो 6 months में इसको क्वालिफाई कर सकते हैं और मैनेजर लेवल पे आपकी जो इनकम है वो 1 lakh को क्रॉस कर जाती है. अब देखो काफी सारे पार्टनर्स के माइंड में आ रहा होगा कि यार मतलब कि हमें करना क्या होगा, इसमें वर्किंग क्या रहेगी. तो वर्किंग थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा. देखो हम दो चीजों में डील कर रहे हैं. कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसमें किसी ना किसी चीज में डील किया था. जैसे मैं मोबाइल का बिजनेस कर रहा हूँ. मोबाइल क्या है, मोबाइल एक प्रोडक्ट है. मेरे मोबाइल में अगर दम होगा, है ना, प्रोडक्ट में दम होगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा. मुझे बिजनेस को बढ़ाना है, मैंने अपनी खुद की कोई ऐप बनाई, मेरे को उसको मार्केट में बिल्ड करना है अपने बिजनेस को, तो उसको प्रमोट किया जाएगा. जितना ज्यादा मैं उसको प्रमोट करूंगा, जितना ज्यादा मार्केट में उसको मैं प्रमोट करूंगा उतना ज्यादा मेरा बिजनेस बढ़ेगा. ठीक है. अब देखो हम बिजनेस उस चीज का करें जिसकी मार्केट में नीड हो. एसटीडी का बिजनेस हम करेंगे तो नहीं चलेगा, वक्त बदल चुका है, है ना. 2G का टाइम आ गया, आज 4G का टाइम चल रहा है. 2G का बिजनेस करेंगे तो नहीं चलेगा. मार्केट के अंदर बीमारियां डे बाय डे बढ़ रही है और बेरोजगारी डे बाय डे बढ़ रही है. हमें क्या करना है, हमें वेल्थ प्रोजेक्ट को शेयर कर रहे हैं. रिकमेंडेशन इज द की टू बिल्ड बिजनेस. हमें यहाँ पे रिकमेंडेशन करनी हो तो रिकमेंडेशन हम बचपन से करते हैं. हमें कोई मूवी अच्छी लगती है, हम अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देते हैं. हमें कोई गाना अच्छा लगता है, शेयर कर देते हैं. हमें कोई ऐप अच्छी लगती है, शेयर कर देते हैं. वैसे ही क्या करना है, हम बिजनेस किसका बढ़ा रहे हैं, हम बिजनेस बढ़ा रहे हैं बिजनेस वाले. जिसने गाना गाया उसका बिजनेस, जिसके रेस्टोरेंट से हमने खाना खाया उसका बिजनेस बढ़ा दिया. ठीक है. उसी तरीके से क्या करना है, हमें प्रमोट करना है. जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया को कैसे यूज कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए. देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपने देखे होंगे, प्रियंका चोपड़ा होगी, विराट कोहली होगा, ये करोड़ों रुपया कमा रहे हैं इंस्टाग्राम से. कैसे, ये ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं. जैसे प्रियंका चोपड़ा ने बाजार ब्रांड प्रमोट किया, इसके 5 crore फॉलोवर है और अगर 1 lakh लोग भी इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो कम से कम 20 crore की टर्नओवर होती है. अगर 2000 रुपए का एक प्रोडक्ट है उसका 10% भी अगर प्रियंका चोपड़ा को आ रहा है. प्रियंका चोपड़ा ने क्या किया, क्या प्रोडक्ट बेचा, नहीं बेचा नहीं, जस्ट उसने रिकमेंड किया सोशल मीडिया पे, राइट. इसने रिकमेंड किया, 5 crore ने नहीं बाय किया, बट जिनको अच्छा लगा उसने लिया और टर्नओवर क्रिएट हुई और उसी टर्नओवर के अकॉर्डिंग कुछ परसेंटेज टर्नओवर का इनको आया पैसा, क्लियर हो रहा है, प्रॉफिट का. उसी तरीके से विराट कोहली हो गया, सभी सोशल मीडिया को इस तरीके से यूज कर रहे हैं. और हम क्या कर रहे हैं, हम रील्स देख के टाइम पास कर रहे हैं. अब हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है सोशल मीडिया. ठीक है. हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं और हमारे थ्रू जितना भी टर्नओवर होता है, आपकी बिजनेस आईडी बनती है, उस आईडी पे जितना भी टर्नओवर क्रिएट होगा और जो भी आपका जो भी आपकी इनकम बनेगी वो अगली 15 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी. 1 से 30 तारीख तक की आपकी वर्किंग जुड़ती है. ठीक है. आपकी एक बिजनेस आईडी बनती है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे बनेगी. और 15 तारीख को इनकम आपके अकाउंट में आएगी. आपको जस्ट क्या करना है, सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है और वो चीजें डीपली आपको सिखाई जाती है ट्रेनिंग्स के अंदर. बात करें, देखो एक टाइम था जब ऑफलाइन हुआ करता था काम. मैंने आज से 4.5 साल पहले सिस्टम को स्टार्ट किया था. मैं भी कभी आप ही की तरह था, जस्ट एक स्टूडेंट था, मास्टर स्टूडेंट. फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा लो थी. 2016 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी. डिग्री कंप्लीट होने के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली वाले के पास 2 options होते हैं, है ना, या तो वो नौकरी करे या वो आगे कोई और स्टडी कंटिन्यू कर ले. तो बिजनेस का तो ऑप्शन होता ही नहीं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए 6 lakh rupees. और हम सभी को पता है ज्यादा पैसा और ज्यादा ग्रोथ जो है वो बिजनेस के अंदर होती है. अगर हमें जरूरतें पूरी करनी है तो नौकरी से हो जाएगी 2 times की रोटी, पर अगर सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए बिजनेस करना पड़ता है.
पर बिजनेस के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने जॉब्स करी 2016 के अंदर, 3 कंपनीज मैंने जॉब करी, आइडिया कंपनी में मेरी सैलरी जो होती थी वो सिर्फ 7,500 रुपए थी, लास्ट जो जो मैंने करी फिलिप्स कंपनी में, मैं लाखों रुपए का काम करके देखता था, तो मेरे को क्लियर हुआ कि यार मैं अगर पूरी जिंदगी नौकरी करूंगा तो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। तो सर्च में था अपॉर्चुनिटी के कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी वर्क अपॉर्चुनिटी मिले जिससे अपनी फैमिली की जो कंडीशन है दूर करूं, क्योंकि सिंगल पेरेंट चाइल्ड था, मदर अकेले थे घर पे कमाने वाले, तो मेरा फर्स्ट टारगेट यही था मेरे को अपनी मदर को फ्री करना। तो आपको ही मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो यंगस्टर है देखो आपके पेरेंट्स बचपन से आपके लिए काम कर रहे हैं ना, जब से आप छोटे थे तब से आप देख रहे होंगे, तो एक टारगेट लेकर यंग एज में उनको फ्री करें, ठीक है। तो मेरा यही मिशन था इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, गोल टोटली क्लियर था मेरा, मैंने मेहनत करी, स्टार्ट किया बिजनेस को 27 जनवरी 2017, मेरी मास्टर्स चल रही थी प्राइवेट, मैं मास्टर्स कर रहा था, स्टडी भी चल रही थी मेरी मास्टर्स, आफ्टर अ वीक एक हफ्ते बाद मैंने मास्टर को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि लास्ट ईयर जो पास आउट हुए मैंने देख लिया उनका फ्यूचर क्या, मैं अपने 1.5 साल बर्बाद नहीं करना चाहता था, 6 महीने मेरे ऑलरेडी निकल चुके थे, अगला 1.5 साल मैंने डिसीजन लिया अपनी लाइफ का कि मैं 16 साल लोगों के अकॉर्डिंग चला, मेरे को 16,000 रुपए की नौकरी, बाकी इनकम की मैं बात करूं, आपको इनकम ग्रोथ दिखाना चाहूंगा, इनकम कैसे आती है आपको, आपकी इनकम में प्रॉपर टैक्स कटता है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट मंथ का मेरा रेवेन्यू 30 लाख से ऊपर करा है, देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी एक जीमेल आईडी इस बिजनेस में रजिस्टर्ड होगी, ठीक है, उस जीमेल आईडी पे आपकी अगले महीने की, मतलब जो भी आपने एक महीने में काम किया, अगले महीने 7 से 10 तारीख के बीच में एक मेल आती है एफएलबी इंडिया से, उस मेल के अंदर सारी इनकम डिस्क्राइब होते हैं, टैक्स कितना कटा है, बैंक डिटेल आपकी सारा कुछ आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एफएलबी इंडिया से मेल है, ये मेरा आईडी नंबर है 91005, सबका आईडी नंबर डिफरेंट होता है, ये सबका इंडिपेंडेंट बिजनेस है, 16,741.76 रुपए, एक एक पैसे का हमें हिसाब मिलता है, हम जॉब करते हैं, हमें कोई बिजनेसमैन हिसाब नहीं देता हमारा बॉस कि तूने इतना काम किया इसलिए तेरे को इतने आ रहे हैं, पर यहाँ पे हम जितना वर्क करते हैं एक एक पैसा हमें प्रोजेक्ट वापस देता है, ठीक है, जितना हमने वर्क किया। फरवरी 2017 को मेरा पहला चेक आया था, जब मैंने स्टार्ट किया था 3,300 रुपए मेरा टैक्स कटा, गवर्नमेंट को TDS कटता है, प्रॉपर वाइट मनी है, अगर आपकी इनकम में से गवर्नमेंट को TDS कट रहा है इट मीन्स कि आपका जो वर्क है वो प्रॉपर जेन्युइन है, ठीक है। 13,400 रुपए इनकम आई, 2700 ये मेरा SBI का उस टाइम अकाउंट चल रहा था, अब मैं कोटक महिंद्रा बैंक यूज करता हूँ। अब देखो हम जॉब करते हैं, साल बाद इनकम बढ़ते कितने की बढ़ जाते हैं, अगर मेरी 16,000 सैलरी है 2,000-3,000 बढ़ जाएगी, बट बात करें इस प्लेटफॉर्म की, मैं 9 महीने मैनेजर होना था नवंबर में, नवंबर से अगला महीना आता दिसंबर, और दिसंबर मंथ का मेरा जो चेक था पहला मैनेजर का चेक मेरा था 1,10,717.92 पैसे। हाँ आई नो कि आप सोचेंगे यार ये सच है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको दिखाऊंगा जो मेरे रिसेंट पे आउट है, ठीक है। मैंने बोल तो दिया 5 लाख रोज कमा भी रहा हूँ नहीं कमा रहा, अकाउंट स्टेटमेंट के साथ दिखाऊंगा आपको, ये चीज जरूरी है, क्योंकि जब मैं इस सिस्टम में आया था ना, जब मेरे को इतनी इनकम दिखाई गई थी मैंने बिलीव नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी इसको देखा ही नहीं, तो भी इतनी कम एज में, तो आपको मेरी एज कितनी लग रही है और बताएंगे चैट बॉक्स में, हाँ जी चैट बॉक्स में बताएं एक बार मेरी एज कितनी लग रही है आपको, 50-60 साल तो नहीं लग रही, कितनी एज लग रही है आपको एक बार सभी बताएं चैट बॉक्स में, 23, 24, 19, 25 ईयर एज है मेरी डियर, 21 की एज में मैंने स्टार्टअप किया था, ठीक है। 1,10,000 रुपये इनकम, फिर दिसंबर में 1,23,000 आई, उसके बाद मार्च आया, आपको पता है कि लॉकडाउन के अंदर लोगों की जॉब छूट चुकी थी, है ना, फ्यूचर कितना सिक्योर था किसी का सबको पता लग गया, बट बात करें मेरा मार्च मंथ का ही जो चेक था 2020 का 3,07,000 रुपये था, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म का पार्ट था, क्योंकि हमारा बिजनेस ऑनलाइन था, और जितने भी लॉकडाउन जब लगा तो ऑनलाइन बिजनेसेस जिसके भी थे वो और ज़्यादा 10 गुना बढ़ गए, क्लियर हो रहा है। तो हमारा बिजनेस और ज्यादा बड़ा ऑनलाइन बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी रिसेशन नहीं आता, ठीक है। हम बहुत लकी हैं, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पार्ट है, क्योंकि आने वाला दौर ही डिजिटल है, इंटरनेट का टाइम है, अमेज़न कंपनी का मालिक है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, क्यों, क्योंकि वो ऑनलाइन बिल्ड किया उसने अपना बिजनेस, दुकान नहीं खोली उन्होंने, अमेज़न स्टार्ट किया ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो, क्लियर है, क्योंकि ऑनलाइन करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और करोड़ों की मार्केट है, बिजनेस करने के लिए मार्केट चाहिए होता है, करोड़ों की मार्केट है, और हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है, फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं बिजनेस करने, और हम इंडिया के होके ही बिजनेस नहीं करते, हम नौकरियां करते हैं उन कंपनियों के अंदर, हम अपना बिजनेस करें, ठीक है। 15,000 टैक्स कटा, 2,91,000 इनकम आई मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुई 15 अप्रैल, यहाँ पे देखेंगे फॉर एवली इम्पोर्ट्स 2,91,866.78 पैसे। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको इनकम अकाउंट में आते, बाकी रिसेंट पे आउट है, यहाँ पे आप देखेंगे
5,56,000 मई 2021, 6,08,000 जून 2021, 15 तारीख को इनकम आई 5,70,000। तो बाकी अगर अर्निंग्स अचीवमेंट्स की बात करूं लाइफ के अंदर, तो मैंने उस एज के अंदर अपने पेरेंट्स को फ्री किया 21 साल के में, जिस एज में बच्चे पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। बस पावर किस में थी, मेरे अंदर नहीं थी, प्लेटफॉर्म में थी। मेहनत तो देखो सबको करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, पेरेंट्स पूरी जिंदगी नहीं कमा के खिलाएंगे। सबसे पहली अचीवमेंट्स मेरा सपना था खुद की कार का, मैंने खुद की कार बाय करी, स्कोडा रैपिड टॉप मॉडल। उसके बाद फैमिली का, मेरे मदर का सपना था हमारे पास खुद का घर हो, 75 लाख रुपीज का मदर को कर गिफ्ट करके दिया मैंने नवंबर 2020 के अंदर जब लॉकडाउन चल रहा था पिछले साल। बात करें आज लाइफस्टाइल की, तो टोटली लग्जरी। और सबसे अच्छी चीज, आई एम अ सेल्फ मेड एंड जल्दी आप भी बनेंगे। कौन कौन चाहता है सेल्फ मेड बनना इस तरीके से? सो बाकी मेरे और भी ज्यादा ग्रेट मेंटोर है, खाली मैं नहीं कमा रहा, मेरे साथ जो काम कर रहे बाकी हमारे को फाउंडर्स है, जो आपको ट्रेनिंग्स देंगे, आपको जो लोग यहाँ पे सिखाएंगे ना। देखो एजुकेशन ही इंसान की कामयाबी का कारण है और नाकामयाबी का कारण है। हमारे पास एजुकेशन कैसे, हम स्कूल कॉलेज के एजुकेशन ले लेते और हम सोचते शायद हिस्से में लाखों, नहीं, स्कूल कॉलेज की एजुकेशन एक अकेडमिक कॉलेज पैसा कमाने की एजुकेशन। कभी स्कूल में आपको टीचर ने सिखाया 5,000 भी कैसे कमाना है, 10,000 भी कैसे कमाना है, वो सिर्फ किताबी नॉलेज आपको देगा। एक होती है फाइनेंशियल नॉलेज, वो यहाँ पे आपको देते हैं। कौन देते हैं जो यहाँ पे लाखों रुपया कमा रहे हैं? ये मिस्टर पवन कुमार सर है, जिनकी बात करें 3 गवर्नमेंट जो ड्रॉप करके सिस्टम में इन्होंने कदम रखा था, इनकी भी आपको ट्रेनिंग लगाने का मौका ले। और ये मैं कोई फैक नहीं रखा, ये लोग सुने शायद फैक है, विद सारी चीजें प्रूफ है, सारी चीजें। उसके आयुष सर बीए सेकंड ईयर में थे, 1.5 से 2 लाख रुपए इनकम ले रहे हैं। भावना शर्मा मैम गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स सिस्टम वेबिनार को लगा रही होंगी, तो गर्ल्स भी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। मिस भावना शर्मा मैम, मिस मोनिका शर्मा मैम 1.5 से 2 लाख, भावना शर्मा मैम, मोनिका मैम 2 से 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में। बाकी आपको यहाँ पे कुछ इंसेंटिव मिलते हैं, कार प्लान्स मिलते हैं, कार लेने के लिए अलग से आपको इंसेंटिव मिलते हैं। बहुत सारे यंगस्टर का सपना होता है यंग एज में कार चलाने का, है ना, तो अपने दम पे आप यहाँ पे ले सकते हैं। मिस्टर गौरव सर, मिस भावना शर्मा मैम जिन्होंने किया सेल्टोस कार बाय की, मिस्टर गौरव सर वरना कार बाय करी मैम के बात करें तो टीचिंग प्रोफेशन से थे, ठीक है। यहाँ पे हर एक इंसान कामयाब है, बस सीखना पड़ेगा। बाकी 7-स्टार टूर मिलते हैं, 1+1 आपको इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है फॉरेन घूमने का, सारे ड्रीम्स आपके यहाँ पे पूरे होते हैं। तो ये 1+1 टूर रहते हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे। छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, इसको ग्लोबल रैली बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया का फ्लैग, हर कंट्री से लोग आए होते इस टूर के अंदर, और कंट्रीज को रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। For not going empty-handed last. देखो एक देश पागल होगा, पूरी दुनिया पागल नहीं है, ठीक है। आज इंडिया नंबर 4 पे चल रहा है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, 2019 में 3 पे था, ठीक है, बट बड़ी जल्दी में इंडिया को नंबर 1 लाएंगे। इस टाइम जापान नंबर 1 चल रहा है, ठीक है। जापान की पॉपुलेशन सिर्फ 12 करोड़ है। हमारा मिशन यही है Win23 कम्युनिटी का, कि ज्यादा से ज्यादा यूथ का जो माइंड सेट है वो नौकरी वाला नहीं, मालिक वाला बनाए, नौकर वाला माइंड सेट तोड़ के एक ओनर वाला माइंड सेट बनाए, और वो भी सेटअप करके अपना बिजनेस नौकर ना बने, एक मिलियनेयर बने, 10-20-30 हज़ार रुपए का आदमी ना बने, ठीक है। क्योंकि स्कूल कॉलेज के बारे में 10-20-30 हज़ार का आदमी ही बनाती है, इससे ऊपर नहीं बनाएगी, बट यहाँ पे आपको एक मिलियनेयर मेंटोरशिप मिलती है, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है, माई फॉर एवर इंडिया ऐप। फर्स्ट प्रोसेस आपके अपनी आईडी रजिस्ट्रेशन करनी है आपको, ठीक है। 12 डिजिट की आपकी एक आईडी बनेगी, आपकी डिटेल रजिस्टर होगी, आपको ये ऐप इंस्टॉल करनी है, माई फॉर एवर इंडिया इंस्टॉल कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे, देन आपको 2 ऑप्शन आएंगे, साइन इन और ज्वाइन नाउ। ज्वाइन नाउ पे आपको क्लिक करना है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक जैसे ही करेंगे आप एक आईडी मांगी जाएगी, स्पॉन्सर आईडी, और यहाँ पे आपको उनकी आईडी फिल करनी है, आपको एक आईडी मिलेगी, आपने भी कॉन्टेक्ट करना है वेबिनार के क्लोज होने के बाद, जिन्होंने आपकी रजिस्ट्रेशन कराई, जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। वो आपको एक आईडी प्रोवाइड करेंगे, वो आईडी आपने यहाँ पे फिल करनी है, आपने उनसे कॉन्टेक्ट करना है। रिक्वायरमेंट क्या है, 18+ एज चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड पैन कार्ड आपका होना चाहिए, अगर पैन कार्ड नहीं है आधार कार्ड से भी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, डोंट वरी। रजिस्टर योर डिटेल इन अवर सिस्टम, आपको अपनी डिटेल रजिस्टर करनी है, फर्स्ट स्टेप है। और जो फर्स्ट 40 कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को आगे सेलेक्ट किया जाएगा ट्रेनिंग्स के लिए। तो जैसे ही 40 फुल हो जाएंगी सीट्स, क्योंकि आपका सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम है, 15 मिनट के अंदर अंदर आपको करना है, ठीक है। और काफी सारे पार्टनर बोलते हैं सर क्या आधार कार्ड सेंड करना है, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप आधार कार्ड सेंड कर सकते हैं, वो भी आपकी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी प्रॉपर KYC होती है, ठीक है। आपको KYC करनी है, KYC जैसी आपकी हो जाएगी उसके बाद आप बिजनेस ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे हमारे Win23 कम्युनिटी के, जहाँ पे आपको 3 दिन की ट्रेनिंग लगानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एथिक्स को फॉलो करना है, अगर आपको कामयाब होना है तो यहाँ पे एथिक्स है,
वो वीडियो ले लीजिएगा क्या क्या एथिक्स है, कौन कौन से एथिक्स, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो इस दुनिया में 10,000 कमाने वाले इंसान में 10,00,000 कमाने वाला भी है। 10,00,000 को 10,00,000 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 10,00,000 कमाने वाले इंसान अपने आप को उस लेवल का चेंज कर चुका है। तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, ठीक है, वो एथिक्स को फॉलो करना आपने। बाकी आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका काम स्टार्ट करा दिया जाएगा। बाकी इट इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। देखो आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, 1 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई वो नहीं है कि रात तो रात आप करोड़पति हो, मेहनत लगेगी भाई प्रॉपर। जैसे हर आप 10 करोड़ लगा के कोई फैक्ट्री खोल दो, काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एफर्ट लगता है, 1 साल अच्छे से मेहनत करनी है आपने। लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, सीखना है, सिखाने वाली सोच नहीं। क्योंकि जितना आप नॉलेज लेके बैठे हो उसने लाइफ में जहां तक कामयाब करना था कर चुके हैं, आगे बढ़ना है तो अब सीखना पड़ेगा। सेल्फ बिलीव, ठीक है, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। बाकी भी अवेयर फ्रॉम मिसगाइडिंग पीपल्स, आपको बहुत सारे लोग वो भी मिल सकते हैं जो मिसगाइड करे। आपको ट्रेनिंग्स लगाओ 3 दिन, ठीक है, पहले खुद सीखो, अभी प्लेटफॉर्म को शेयर मत करना, पहले खुद नॉलेज लेना। बाकी यूट्यूब पे आपको फेक वीडियोज भी मिल सकते हैं, तो ध्यान रखना उस चीज का। माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, डाउट आता है, तो उसे क्लियर कर लें, ठीक है। जब उन वीडियोज के कमेंट बॉक्स देखेंगे तो वो ऑफ किए होते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का। लर्निंग वीडियोज आपको कुछ लेनी है, कुछ डाटा लेना है। बाकी ये ग्रुप है जिसमें आपको ऐड किया जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट ये फुल होने वाला है ग्रुप, आप देखेंगे। तो अगर आप किस्मत हुई, लकी हुए, तो आप इस ग्रुप में भी ऐड होंगे। बाकी आपको लास्ट में कुछ चीजें करनी है, ये अकाउंट है जिसको आप फॉलो करें। बाकी आप इस अकाउंट के अंदर जितनी भी पोस्ट है सबको वॉच करिएगा, आपको पता लगेगा कि क्या ग्रोथ है। ये थोड़ी पुरानी स्क्रीनशॉट है, 1 पोस्ट लिखा हुआ है, काफी सारी पोस्ट है इसके अंदर। Win23_community आप सर्च करिएगा, फॉलोअर्स भी इसके 4,500 समथिंग है अभी जो है राइट नाउ, क्योंकि 2 मंथ्स पहले के जब अकाउंट हमने बनाया था। तो इस पे सारी अचीवमेंट्स हमारी है, सारी ग्रोथ यहाँ पे है, तो बिजनेस अपडेट सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। बाकी ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है, आपको सोल्यूशन अच्छा नहीं मिल पाता है, तो आप कोई बात नहीं, डायरेक्टली प्रदीप शर्मा को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से मेंशन करिएगा सेशन को, ठीक है। बाकी लास्ट में जैसा भी आपको प्लेटफॉर्म लगाना मेरे को टैग करिएगा, स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे टैग करिएगा जैसा भी आपको सेशन लगा। बाकी लास्ट में एक चीज बोलूंगा, देखो धीरू भाई अंबानी जी का एक कहना है कि अगर आप अपने सपने नहीं पूरे करते ना, तो आपको कोई ना कोई नौकरी पे रख लेगा अपने सपने पूरे करने। अब आप देख लो अपने लिए काम करना है, नौकरी में आने वाले टाइम में बॉस के लिए काम करना है। बाकी लास्ट में सेशन को यहाँ क्लोज करते हैं। सो कैसा लगा आप सभी को सेशन, कौन कौन रेडी है अपना फ्यूचर बनाने के लिए। बाकी लास्ट में एक चीज बोलूंगा, कैसे करना है वो हम पे छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो, क्यों करना है वो आप डिसाइड करो, आपका क्या ड्रीम है, ठीक है। सो अच्छे से आप मेहनत करें। और कौन कौन रेडी है, स्पॉन्सर आईडी अभी आपने क्या करना है, अभी कॉन्टेक्ट करें उनको जिन्होंने आपकी रजिस्ट्रेशन कराई है, और वो आगे की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। 10-15 मिनट का आपके पास टाइम है, ठीक है, जल्दी जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, देन आप अगले वेबिनार के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी कुछ वीडियोज डाटा मिलेगा, उन्हें वॉच करेगा अच्छे से। सेम फ्यूचर आपका होगा, अगले साल सेम मंथ तक आपकी भी जिंदगी बहुत ज्यादा चेंज होगी। बाकी ऑल द बेस्ट, चक दो पट्टी।